अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रमज़ान मुबारक। और मैं फिर से आ गई हूँ ज़बरदस्त से ब्लॉग लेकर, और इंशाल्लाह मैं डेली दो ब्लॉग लेके आऊँगी, एक सहरी का और एक अफ्तारी का। तो ये जो शुरू की जो क्लिप्स हैं, ये मेरी फ़र्स्ट रोज़े की हैं। जो मैंने ब्लॉग बनाया तो था लेकिन मैंने डाला नहीं था। फिर सेकेंड रोज़े में मैंने बनाना थोड़ा सा वो हो गया था, मेरे बेटा बहुत तंग कर रहा था। और तीसरे रोज़े में मैंने बनाया है पूरा व्लॉग। तो जो पीछे के जो व्लॉग के वीडियो थी, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर की जाए। तो फर्स्ट रमज़ान की मेरी ये सहरी थी जिसमें मैंने कबाब पराठे और ये सब चीज़ें खाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए, और इंशाल्लाह आगे भी ब्लॉगिंग आती रहेगी। और आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है मेरे व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह एक जो है मैं सहरी के टाइम डालूँगी व्लॉग, और एक डालूँगी मैं अफ्तारी के बाद। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है। तो पहले रोज़े पे अल्लाह की रहमत भी बैठती थी, तो मैंने थोड़ी सी बहुत क्लिप उसकी भी बना दी थी बारिश की। तो जी ये आ गया है मेरा थर्ड रोज़ा, यानी कि आज के रोज़े की। तो यहाँ पे जो है ना मेरी सहरी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे दो पराठे एज यूजुअल मेरे और मेरे हस्बैंड का, और यहाँ पे दूध उबल रहा है। और तो यहाँ पे जो है ना दो तरह के पराठे बनते हैं, जैसे कि आपको मैंने शुरू से बताया हुआ है। एक बनता है हल्के कम तेल का जो मेरा होता है, और जो बनता है ज़्यादा तेल का वो होता है मेरे हस्बैंड का। तो थोड़ा ब्लॉगिंग के चक्कर में ना थोड़ा गड़बड़ भी हो गई थी, मुझसे दूध भी गिर गया था और पराठा भी जलते जलते बच गया था। तो यहाँ पे जो है मेरा पराठा तैयार है। ये देखें यहाँ पे मेरा जो दूध उबला था वो सब गिर गया है। तो यहाँ पे जो पराठा है मेरा तैयार है। अब यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है उनका पराठा तैयार होने जा रहा है। असल में मैं जो दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे जो ऑयल के लिए ना मैं ये बॉटल लेके आई थी, जो ये यूज़लेस है, और यहाँ से ऑयल बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा था। और इस वाले में मैंने घी रखा हुआ है, तो ऑयल जो है ना मुझे डायरेक्टली डालना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भी ज़्यादा वेस्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस बॉटल में तो बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। और आज की सहरी में हम लोग जो हैं, हम लोग दो दिन से कबाब पराठा खा रहे थे, तो हमने सोचा कि ना चेंज किया जाए। और आज जो है मैंने दाल बनाई थी शाम में बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग तो खाना खाते ही नहीं हैं, लेकिन मैं बना देती हूँ खाना। तो यहाँ पे जो है मेरा फ्रिज भी फुल भरा हुआ हो रहा है, ख़राब गंदा भी हो रहा है। मेरी बेटी ने शरबत रख दिया था, वो सारा गिर गया था, तो थोड़ा बहुत अभी भी गिरा हुआ था। तो वो दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ पे जो है दाल जो है वो गरम करने के लिए मैंने रख दी है। तो आज हम लोग खाएंगे दाल पराठा, दाल पराठे की सहरी करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी अलग अलग तरीके की सहरी करेंगे, कोशिश तो यही है। और ये मैं लेके आई थी माइलो, जो मैं स्टार्ट में लेके आई थी रमज़ान के, तो ये मेरी बेटी ने आधा कर दिया है अभी तक। और तो माइलो से ये होता है कि थोड़ा दूध से ताकत रहती है, तो दूध में लाजमी सहरी में प्रिफर, बचपन से लेके अभी तक दूध हम लोग लाजमी पीते हैं सहरी में। तो यहाँ पे खजला भी था, उसकी भी तैयारी कर रहे थे। पिछली दफ़ा मैंने आपको जो पहला रोज़ा था उसमें तो जल्दी जल्दी जो भी व्लॉग बना मैंने बना दिया, तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था डालने का, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज की सहरी में मैंने ज़रा खुल के आराम से बनाया व्लॉग, तो सब कुछ तैयारी भी दिखा रही हूँ आपको। इंशाल्लाह मैं आप मिलूँगी आपको अफ्तारी के टाइम, और अफ्तारी में भी बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग आएगा। पहले रोज़े की अफ्तारी में बहुत ज़्यादा काम था मुझे, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या काम किए हैं। मुझे रमज़ान की पहले से प्रिपरेशन करके रखनी थी, लेकिन मैं रख नहीं पाई थी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारा काम करा था पहले रोज़े को, तो मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको आज के व्लॉग में सब दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी हुई है पूरे रमज़ान के लिए। अब पूरे रमज़ान चल जाए, आधे रमज़ान चल जाए, तो ये तो डिपेंड करता है सामान पर। तो यहाँ पे जो है ये दूध और खजला जो है हमारा, खजला फेनी जो है हमारी तैयार हो रही है। और यहाँ पे दूध पे मलाई भी थी, तो ये मैंने खजले में ही डाल दी, फेनी में ही डाल दी। तो बस मेरी सहरी तैयार है, मज़ेदार थी। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी सहरी करने के बाद मैं ज़रा पानी ज़्यादा पीती हूँ। मैंने पानी की बॉटल आपको दिखाई नहीं अपनी, तो मैं पूरी पी लेती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे प्यास लगे, इसलिए कि रायती बहुत है, रोज़ा दिन गुजारना होता है। तो यहाँ पे जो है दाल भी गर्म हो गई है, दाल को भी निकाल के आप जाएंगे सहरी करने। और ये दाल मैंने बच्चों के लिए बना ली थी दोपहर में, और
हम लोगों का तो रोज़ा था, रोज़े बड़े अच्छे गुजर रहे हैं, बड़े ठंडे ठंडे रोज़े हैं इस दफ़ा के माशाल्लाह से। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है। बस तो यहाँ पे सैरी कर लेते हैं। यहाँ पे पानी भी आ रहा था हमारा, जो रुक रुक के आ रहा था तो बड़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ पे कर लेते हैं हमें अपनी ज़बरदस्ती सैरी। यहाँ पे सारी सैरी तैयार है, तो अब मैं आपको सैरी करने के बाद मिलती हूँ, पहले सैरी अपनी फ़्रेश करके। तो जी यहाँ पे जो है ना, मैंने सैरी अपनी फ़्रेश कर ली है और बस दूध रह गया है इसको फ्रेश करने के बाद। फिर मैं जो हूँ सारा किचन साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो ना इतनी सी बस सिर्फ दो लोगों की सैरी बनाने में पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो नीचे का फ्लोर तो मासी आएगी, वो साफ़ कर देंगी। और अभी जो है मैं ये सारा साफ़ सुथरा करने के बाद और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी यहाँ पे जो है मैंने अपना पूरा किचन क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सैरी का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अफ्तार के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।